नगर कीर्तन के विच देवतां दे वांग हाजरियां पा रहे सतसंगी जनों, आओ सब तो पहला हेमकुंट के महान तपस्वी माता गुजरी दे नूरे नजर, दुखियां दे दर्दी, गरीबां दे मसीहा, नीले दे शाह असवार, कलम अते तेग दे तनी, पुत्रां दे दानी, नासिर मंसूर, एज दे मंजूर, बादशाह दरवेश, मत अकमड़ा, धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी द्वारा बख्शिश की हुई फतेह नूं करिए जी प्रणाम। मैं बेनती करां जिन्नियां भी संगतां जुड़ बैठियां हो, दो गल्लां ने। पहली गल ते आपां चुप दी दात बख्शिश करके बैठे हैं, चुप करके सतगुरु महाराज जी के चरणों के जुड़ के बैठना, ताकि सुनाने वाले को आनंद दे ते सुनने वाले के मन के गल्लां घर करन ते अपनी जिंदगी दे विच ढाल के आपां अपनी जिंदगी दे विच सिक्ख लैके जाइए, जिहड़ी गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अज तो 500 वरे पहला सानू सिक्ख्या दित्ती सी, उसनू आपां वसा के लैके जाइए ते आपां अपने जीवन दीआं घाटां ते अपने जीवन दे विच जो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सानू मंतव दस्या सी कि असीं उत्थों खिरकत नहीं गए, कि असीं गुरु की दसी सिक्ख्या दे उत्ते अज भी कायम हैं, इन्हां गल्लां दी सांझ पाउणी है। ते एक नवेकला इतिहास, मैं ये दावा नहीं करता कि यह इतिहास तुसीं पहलां कदी सुनिया नहीं होवेगा जां इह नवीआं गल्लां ने, पर याद रखना गुरु के प्यारे जितनी कि मत बुद्ध सतगुरु महाराज जी ने बख्शिश दे दित्ती है ना, ओदे अनुसार आपदे कोल एक नवी जी चीज, नवा जिहा प्रसंग गुरु नानक देव जी महाराज जी दे जीवन दे विचों साथी लै करके आप जी सामू कर रहा हाँ, सुनाउण दा यत्न करांगा। आओ जितनी भी संगत बैठी है जुड़ के सतगुरु महाराज जी नूं झुकाइए सीस, अपनी ते जथे दी हाजरी करो जी प्रवान, मन बिरदियां कागर चित करके बैठो ते बुलाओ फतेह आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु नानक देव जी महाराज जी का प्रकाश पुरब हो, नगर कीर्तन के संगत जुड़ी हो, फतेह की आवाज लीक नहीं होनी चाहिए। सतगुरु महाराज जी के प्रथाई भाई गुरदास जी कहते हैं, मारिया सिक्का जगत विच गुरु नानक निर्मल पंथ चलाया, उत्थे भाई गुरदास जी एक होर गल लिखते हैं, कहते हैं सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ। सतगुरु महाराज जी कृपा करन, सिंह बुके गुरु नानक देव जी महाराज जी की प्रथाई सी भी गुरु महाराज जी जदों बुके शेर वांगू गरजे ते जुलम दा नाश करके महाराज जी ने मजलूमां दी रक्षा की, सच दा चानण पाया उस महाराज जी दे आपां पावन प्रकाश पर्व दे संबंध विच नगर कीर्तन में हाजरी भर रहे हां ते खालसा जी फतेह गज वज के बुलाउणी चाहीदी है, बुलाओ फतेह आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आओ गुरु के प्यारियो अपने मतबुद्धि अनुसार गुरु बाणी का फरमान है, आप नारायण कला धार जग मह परवरियो निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो। भाई गुरदास जी लिखते ने सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद, जग चन हुआ ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छप्पे, अंधेर पुलवा सिंह बुके मिर्गावली भन्नी जाए ना धीर धरोआ। सतगुरु महाराज जी ने इस दुनिया के उत्ते अपना प्रकाश धारण किया है। हुण याद रखियो गुरु के प्यारियो, आपां अपने मजबूत प्रसंग नूं ध्यान दे नाल सुणन दा यतन करना, आपां बड़े पहलां भी प्रसंग सुने ने, प्रसंग आपां गुरु महाराज जी दा गुरपुरब जिहड़ा पहली वारी नहीं मनाउण लगे, आपां पहलां भी सुने ने। ते याद रखो नवेकली चीज की है, उहनूं अपने मन बिरदियां एकागर चित करके मन दे विच वसाउण दा यतन करना, ते दास जितनी कि मतलब सतगुरु महाराज जी ने बख्शिया आप जी नूं सुणाउण दा यतन करेगा। ते याद रखो गुरु के प्यारियो, भाई गुरदास जी ने एक शब्द वरत्या सतगुर नानक प्रगटिया मिटी धुंद, जग जन दो चीजा ने वरतिया, एक तो प्रगटिया एक धुंद शब्द। मैं बेनती करा गुरु के प्यारे, इस दुनिया के उत्ते मनुख जिहड़े आम सधारण मनुख ने जमदे ने मर जाते ने, मौत उन्होंने लै जाती है, अपने जीवन में आके अपने घर काम कार करते हैं, तो अपने परिवार के कुछ करते हैं तो चले जाते हैं। भाई गुरदास जी ने शब्द वरत्या सतगुर नानक प्रगटिया, प्रगट का भाव हुंदा जिहड़ी चीज प्रगट हुंदी ना वो बाद दे विच विलुप्त नहीं हुंदी। अजकल साडे विचों कलाकार ने जरूर ने साडे सभ्याचार दे विच इह गाउंदे ने भी आवीं बाबा नानका जावीं बाबा नानका, पर याद रखियो भाई गुरदास जी दे नालों विद्वान असली जो भाई गुरदास जी नूं पढ़ांगे ना वो कहिंदे ने प्रगटिया शब्द, एक थां जाके एक प्रगट शब्द होर आउंदा है, वो प्रगट हुंदा प्रगटियो खालसा परमात्म की मौत। जिहड़ी चीज प्रगट हो जाती है ना वो कदी चीज विलुप्त नहीं होंगी, वो रही दुनिया तक भी रहेगी, वो आदि सच हुंदी है।
ਗੁਰਦਾਸ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸਹਿ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਾਟੀਆ ਅੱਜ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਆਵੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਜਾਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੀ 1479 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜੱਗ ਚੰਨ ਹੋਇਆ ਇਹ ਧੁੰਦ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਧੁੰਦ ਆਮ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਆਲ ਹੋਏ ਤੇ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਠੰਡ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧੁੰਦ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਦ ਪਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਧੁੰਦ ਸੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਕਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੇ ਲੜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ 746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੈਮੂਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1158 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਲੋਧੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਧਰਤੀ ਗੁਰਲਾਈ ਅੰਬਰ ਗੁਰਲਾਇਆ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਆਵੇ ਇਲਾਹੀ ਰੂਹ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਸਕੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁਣ ਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਜੋਤ ਜਗ ਮੰਡਲ ਕਰਿਓ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁੱਖ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਉਹ ਕੁੱਖ ਕੌਣ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹ ਪਿੰਡ ਕਿੱਦਾਂ ਵਸਿਆ ਇਹ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਤਲਵੰਡੀ ਵਜਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ 1158 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ 16 ਪਹਿਲਾਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ 17ਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਦਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਭੱਟੀਆਂ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਖੇ ਬਣ ਗਈ ਉਸ ਖੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 15-20 ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਰਾਏ ਭੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਇਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੈਰੋਂ ਇਸ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਪੱਠੇ ਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੱਠੇ ਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲੁਹਾਰ ਉਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਨਮ 1440 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1469 ਈਸਵੀ 1526 ਸਮਤ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦਾ 5 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਖੇਡਣ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਾਨਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਆ ਕੇ
माता सानू वीर कदों बख्शिश करेगा अकाल पुरख माता तृप्ता ते बेबे नानकी ने अरदासा बेनतियां कीतियां धरती दी पुकार अंबर दी पुकार दुनिया दी पुकार परमात्मा ने सुनी ते 1469 ईस्वी नू आ भैण नानकी दा वीर दुनिया नू तारन वास्ते जिवे आया जिवे सोले परियां ने गाए जिवे संतां ने बधाईयां दित्तियां इस मात लोक दे उत्ते दुनिया नू तारन वास्ते भैण नानकी दा वीर है
जाती है, कश्ती वही होती है, किनारे बदल जाते हैं, चमक वही होती है, सितारे बदल जाते हैं, आंखें वही होती है, इशारे बदल जाते हैं, स्टेज वही होती है, बुलारे बदल जाते हैं। हर एक बुलारे का आपको अपना हिसाब होता है, हर एक बुलारे से आपको अपने बोलने का ढंग होता है। तो मैं बेनती करूँ, मेरे तो पहले बड़े विद्वान इन्होंने स्टेजों से आए होंगे जिन्होंने अपने बड़े सच्चे ढंग के नाल इतिहास समझाया होगा, तो जन्म दियां गल्लां जिहड़ियां ने, क्योंकि राय भोज की तलवंडी ते सतगुरु महाराज जी का पावन प्रकाश हुंदा है, ते आपां बड़े लंबे समय तो बड़े चिर तो जन्म दियां गल्लां सुणदे आ रहे हां, ते मैं चाहुंदा कोई नवेकली दी चीज़ आपां साझी करिए। ओह नवेकला जिहड़ा इतिहास सतगुरु महाराज जी ने अनेकां गुट राय भोज की तलवंडी ते कीते, राय बुला सतगुरु महाराज जी का सिख बणा, ते मैं बेनती करां पहली सिख गुरु नानक देव जी महाराज जी ने दर्शन जी ने किए, तन मन होए निहाल जां गुर देखा सामने, तन मन निहाल होया दाई दौलता दा, उहदे में साकी छोटी जी कह के फिर अपने मजमून प्रारंभ कर देंगा। दाई दौलता जिहड़ी सीगी अनेकां घरां दे विच जाके बच्चा दे जन्म कराया करदी सी, दाई पहला कम करदी सीगी, ते जदों उहनां दे घर दे विच बच्चा जन्म लिया करदा सीगा अनेकां तरीके दीआं वधाईआं उहनां तों लिया करदे सी, ना सी दौलता प्रकाश होया। दाई दौलता ने सतगुरु महाराज जी ने दर्शन किए, तन मन हो निहाल जां गुर देखा सामने, मेरे सतगुरु महाराज जी सामने तक के नूरी मुखड़े अलाही मुखड़े तक के दाई दौलता दे ओ जिहड़ी पैसे वाली माया वाली भुख सी ना मन दे अंदर ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀਏ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਬਾਰਾਂ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਿਬ
सुल्तानपुर की धरती कह रहे हैं और सुल्तानपुर नगर का हाल जानिए कि सुल्तानपुर नगर किए रचा एकदम पिछड़कर इसी दिन प्रचार का केंद्र ही हुए महाराज जी सुल्तानपुर अपने मजबूर प्रारंभ करना चाहता हूँ। सुल्तानपुर की धरती के असल में सुल्तानपुर नगर बसे मोहम्मद गजनवी जरासी 1336 इस पंजाब के ढाई का की औकात दिल्ली को लौट के वापस आता है। मोहम्मद गजनवी एदा एक जरनैल सी नाल आया करके ओदा नाम सी सुल्तान खान और सुल्तान खान जो आया करके नाल ओने आके देखा जो आ बेंग दी सी बेंग लगी अज उनके पैरा पर मांगा लगता का मांगा सी की होया ते की पाया। याद रखियो ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ
सिख याद करता पिया और लोकाई याद करती पई है गुरु नानक देव जी महाराज जी एक पत्थर की सिल उत्ते बैठ के वह सकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के नाल अंतर ध्यान हो के इस दुनिया नू लुकाई नू होके अकाल पुरख के चरण
सच्चियां संतां लो बेअंत प्यार सत्कार जथे वास्ते आया है। मैं आप जी को कुछ को नाम आए ने बयान करके फिर अपने मज़मून नूं अगाह तोरांगा। मैं बेनती करा 2:15 बजे का टाइम दस दे जथन दिता गया, 10-15 मिनट तां हो सकते ने। ये मैं पहला बेनती करना क्योंकि अपना मज़मून जिन्ना चिर पूरा ना लैके जाइए उन्ना चिर सवाल नहीं होगा सुनने वाले नूं सुनने वाले नूं। मैं बेनती करा साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार भुपिंदर सिंह जी सैकटी उन्होंने वालों बड़ा प्यार सत्कार जिथे वास्ते आया, सरदार मंगल सिंह जी बाबा जी ने बड़े चिर की पुरानी सांझ है साड़ी बाबा जी के नाल। मैं छोटा जा सा जो बाबा जी के नाल असी पाठते अखंड पाठते ड्यूटियां लगाते सर उतों लैके इतों तक का सफर सतगुरु महाराज जी की कृपा के नाल तय किया है। गुरु महाराज जी कृपा कर गुरदेव सिंह जी सबका सरपंच इन्होंने वालों बड़ा प्यार सत्कार आया, कृपाल सिंह जी प्रधान, सरदार अवतार सिंह जी खजानची, सरदार पुरशोत्तम सिंह ठेकेदार सरपंच, सरदार गुरदेव सिंह जी सैकटरी इन्हों का परिवार, सरदार सतनाम सिंह, सरदार अजैब सिंह, सतनाम सिंह के बच्चे सरदार अभिजोत सिंह भुल्लर, मनजोत सिंह जी भुल्लर, सारे ही परिवार वालों, सरदार अभिजोत सिंह और मनजोत सिंह जी उन्होंने वालों 500 रुपए स्पैशल मान जो है वो जत्थे वास्ते आया। अरदास बेनती करते चढ़ती कला की, सरदार सतनाम सिंह जी कनेडा वासी जो कि गुरदेव सिंह जी के सपुत्र ने, इन्हों वालों जत्थे इन्हों वालों, सरदार भुपिंदर सिंह USA, सरदार संदीप सिंह USA इन्हों वालों जत्थे की सेवा भेजी गई। सतगुरु महाराज जी कृपा कर लाइव की सेवा जी है वो सरदार गुरदीप सिंह जी, सुखदीप सिंह जी सोका कनेडा वासी, सरदार मनजोत सिंह जी कनेडा के, सरदार बलवीर सिंह जी जेडे इन्होंने पिता जी ने, इन्हों सारे परिवार वालों बड़ा प्यार सत्कार जत्थे वास्ते आया। सतगुरु महाराज जी कृपा कर होर भी भगवंत सज्जनों वालों सारे के नाम दस को नहीं पहुंचे, सतगुरु महाराज जी कृपा कर अहो नानक सब तेरी वडेई कोई नाम ना जाने मेरा। नागर सिंह ने एक लाइन आखी है ताज चिंता विच सी जग तारन हारे, धन गुरु नानक देव जी महाराज जी कड़ी चिंता विच ने, उन्होंने कोई परिवारक चिंता नहीं, उन्होंने कोई अपनी चिंता नहीं, अपने बारे कोई चिंता नहीं, इस जगत जलंदे का उधार किवें करना ते मजलूमां दी रक्षा किवें करनी है, उन्होंने बचाउणा किवें है उहदे वास्ते सोची पहिने सतगुरु महाराज जी। एक मेरे अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दे नाल मैं बेनती करा गुरु के प्यारियो, एक गल मैं आखी सी जगन्नाथपुरी के मंदिरों की, वह गल मैं आप जी साझी करा। जो सतगुरु महाराज जी कह रहे जगन्नाथपुरी के विच, याद रखो उसे जगन्नाथ भगवान की मूर्ति है जिसे दोनों हाथ नहीं, जगन्नाथपुरी की मूर्ति, जगन्नाथ भगवान की मूर्ति जगन्नाथपुरी के विच लगी हुई है। सतगुरु नानक देव जी के भाई मरदाना जी, भाई गुरदास जी कहने एक बाबा अकाल रूप दूजा बाबी मरदाना, भाई मरदाना जी नाल लैके उत्ते पहुंचे ने पहली उदासी के दौरान, जितों गांह चीलका नदी के कोल कौडे राक्षस के कोल पहुंचे ने। गुरु नानक देव जी महाराज जी इत्थे मंदिर के बाहर दा अपना डेरा ला के अपना सिंघासन ला के बैठ चुके, इतों के पुजारी ने शाम होया ते आरती का समा जो होया ना संगतां नूं मौका दिता, कहन लगा भी आरती का वक्त हो चुका है सारियां संगतां पहुंचो आपां आरती करिए। आरती का वक्त होया ते एक दीवियां वाली जोत सी उहदे विच कई जोतां जगदियां सीआं, उह लै के ते हाथ दे नाल फड़ के घुमा के आरती करन लग पिआ आरती, ते सतगुरु महाराज जी कहन लगे मरदानिया उहदे वल नूं देख के मुस्कराउंदे ने पंडित उस पंडित वल नूं, ते नाले कहन लगे मरदानिया तूं बाहर जा ਧਰਤੀ ਬਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ ਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪ ਕਮਨੇ ਤਾਰ ਕਾ ਮੰਡਲ ਜਨਕ ਮੋਤੀ ਧੂਪ ਮਨੇ ਆਣ ਲੋ ਪਵਨ ਚੋ ਰੋਕਰੇ ਸਗਲ ਬਨਰਾਏ। सतगुरु महाराज जी की बाणी सुन के, क्योंकि ये दरगाही बाणी है ना, ते बाणी गाई जाती हो मुखार बंद गुरु नानक देव जी महाराज जी के विचों, ते याद रखो गुरु के प्यारो ये जरा सी सारा मंडल एक बार सुन हो गया, दरख्त जरा सी उन्होंने पत्ते खड़ो गए, आसमान के तारे टिमटिमाते सीगे एक बार सुन हो गए, पंछी तुरे जाते रुक गए, सतगुरु महाराज जी की मुखार बंद इन्नी मिठी ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ
गया। जदों देखिया भी सारी संगत जिहड़ी मंदिर दे विच आउणी चाहीदी सी इह ते गुरु नानक देव जी महाराज जी दे कोल आ गई। इह जिहड़ा पांधा सी पंडित सी गुस्से दे विच अग बबूला होया, गुरु नानक देव जी महाराज जी दे कोल गए, कहण लगा कौन है तू, कित्थों आया? सतगुरु महाराज जी कहिंदे मेरा नाम नानक, मैं रब दा बंदा ते आया हां पंजाब दी धरती। कहण लगा तुहानू पता नहीं आरती दा समां हो चुका है ते तुसी अपने शब्द आप के बैठे हो। सतगुरु महाराज जी मुस्कराए ते कहण लगे पंडिता केड़ी आरती दी गल करदा पिया। सतगुरु महाराज कहण लगे गगन में थाल रब चंद दीप कमने। कहण लगे जिस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा दा सारा ब्रह्मांड गगन आकाश समान जिहड़ा है उह थाल बणिया होया, रब चंद दीप कमने जिहदे दीवे रब दा भाव सूरज ते चंद्रमा जी दे दीवे होण, तारका मंडल जनक मोती आ तारिआं दा मंडल जनक दे मोतियां वांग जड़िआ होवे ते तूं उहदी आरती किस तरीके नाल करेगा? आख सतनाम श्री वाह भाव उस परमात्मा की आरती ते सारा ब्रह्मांडी करता पिया। ये वचन सुने ते याद रखो उस पंडित ने रहिंदी जिंदगी उस मंदिर दे विच दीवे घुमा के आरती नहीं की। ओ पंडित ने शब्द मन दे विच उसालिया, शब्द गुर पीरा कह गंभीरा, मन अंदर झातियां मारिए आपां भी सतगुरु महाराज जी की किन्नी को सिख्या असीं पाते। गुरु महाराज जी ने उपदेश दिता सीगा पौन गुरु पाणी पिता माता पटाके चला चला के धरती नहीं साफ सुथरा रखते, पवन गुरु पानी असी गंदला कर दिता, पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। याद रखी गुरु सिख्या, गुरु क्या सिखा, गुरु महाराज जी कृपा कर अपने इतिहास के जुड़ना करिए। अज गुरु नानक देव जी महाराज जी रोहेल खंड के जंगलों के चिंता के बैठे ने, चिंता कहती है अज याद रखना रोहेल चला गया। अज जाके उत्थे गुलाम होके कैदा विच बैठ के गुरु महाराज जी नूं ध्योंदा पिया। अज गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जिथे भाई हरा जी का उद्धार करना है ना उत्थे इन्हां नूं बर्दा पुरशी तों सदा लई मुक्त कर देना इन्हां पठान। गुरु महाराज जी अकाल पुरख दे नाल एकमिक हो के परमात्मा दे नाल विचार करदे पए ने। भाई मरदाना सुत्ता पिया थक हार के, अमृत वेला होया, भाई मरदाना उठिया थोड़ा लेट हो गया। याद रखना गुरु के प्यारे उठिया रबाब नूं साफ कीता, देखिया थोड़ी दूर ते मेरे गुरु नानक देव महाराज जी रात मां होती आसन ला के पत्थर दी सिल्ल ते बैठे ने, मन दे विचार ने खुशी है भी मेरे गुरु नानक देव जी महाराज जी अपनी रुबाब नूं झाड़िया, कपड़े झाड़े, बड़े प्यार सत्कार दे नाल जा के गुरु महाराज जी दे कोल बह गया। भाई मरदाना बैठा, गुरु महाराज जी अखां बंद ने, नेत्र बंद ने, अखां खोलियां, मुस्कराए, कहण लगे भाई मरदाना करिए। कहण लगा हां सच्चे पातशाह अज थोड़ा लेट हो गया, रात दी थकान बड़ी सी। कहण लगे भाई मरदाना अकाल पुरख दा हुक्म आया। कहण लगा सच्चे पातशाह रुबाब बजावा। कहण लगे अज रुबाब नहीं बजाउणी। मरदाने दे दिल दे विच आया, कहण लगे पता नहीं कोई भुल हो गई होगी। कहण लगा सच्चे पातशाह मेरे तों की गलती हो गई। सच्चे पातशाह कहण लगे भाई मरदानिया अज परमात्मा दा अकाल पुरख दा हुक्म आया। कहण लगे की हुक्म आया? कहण लगे मरदानिया अज साडे तों वख हो जा। इह गल क्यों कही महाराज ने? महाराज नूं पता सी जिथे असीं चले आ ना उत्थों दे लोकां दा हाल देख के मरदाने कोल चलिया नहीं जाणा। आख सतनाम मेरे पातशाह कहण लगे मरदानिया अज साडे तों वख हो जा। याद रखना गुरु के बिना भाई मरदाने दा जीवन बिल्कुल सुन्ना सी। भाई मरदाना गुरु तों बिना एक मिंट भी नहीं सी रह सकदा। भाई मरदाना हथ जोड़े कहण लगा सच्चे पातशाह कोई भुल हो गई?
के तुरिया सी भी मैं गुलाम नूं फड़ के लियावांगा ते लियान के उन्हूं बेच के चंगे चोखे पैसे कमावांगा। जदों आख्या ते उहदी घरवाली ने तैयार करके भेजिया, आया जंगल दे विच, गां पिंड वालों जाणा सी ते जंगल दे विच गुरु महाराज जी मिल पए ने। गुरु महाराज जी की उम्र कई 35 के वरे दी सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी। काला गाढ़ा सतगुरु महाराज जी का तगदा करदा चेहरा, चेहरे दे उत्ते रूहानियत दे जो दर्शन कीते, यह मीर खां जिहड़ा सी ना इहने देखिया भी अज ते मैं नौजवान लैण वास्ते तुरिया सी, आ जिहड़ा गुलाम मैनू मिल गया ना। गुलाम हर एक बंदा परमात्मा नूं पछाण नहीं सकदा। कह लगा जिहड़ा मैनू आ गुलाम मिल गया ना इहनूं मैं बेचांगा, जदों जाके मंडी दे विच चोखे पैसे कमावांगा, चोखे पैसे। इहने की कीता सतगुरु महाराज जी दे कोल आया, कहण लगा मुस्कुरा के अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा का शुकराना किया भी जिस मकसद के लिए मैं आप जी के विचार कर रहा सर उही मकसद वास्ते अमीर खान आ गया, उस मकसद वास्ते। गुरु महाराज जी मुस्कुराए, कह लगे असी पंजाब की धरती तो आए हैं सुल्तानपुर तो, साडा नाम है नानक, तुसीं कौन हो भाई? जो तो गल सुनी कह लगा मेरे को देखा तीर ना ठूठ ठूस के पत्था ते मोढ़े ते कमान, याद रख मेरा गुलाम बन के अगे लग के घोड़े की तुरपा, नहीं तो मैं छाती छलनी कर दाँगा तीर मार मार के। जो बचन सुने सतगुरु महाराज जी मुस्कुराने लगे भी वाह परमात्मा, जिस बंदे एक दम का नहीं पता तो दूजे बंदे मारन दी धमकियां दिंदा पिया, एक दम का नहीं बंदे का पता, हम आदमी हाँ एकदम ही मुहलत मुहलत ना जाना, एक दम का जिहदा पता नहीं तो दूजे बंदे मारन की धमकी दिता भी तेनू मैं इदा कर दाँगा। सतगुरु महाराज जी कहते ने उस परमात्मा की रजा तो बिना पत्ता भी हिल नहीं सकता। यह मीर खान कह लगा मेरे घोड़े के अगे लग के तुरपा, सतगुरु महाराज जी उठे अपने मकसद को पूरा करने वास्ते, गुरु महाराज जी ने घोड़े के मगर होकर तुर पे, घर के आ गए। यदि घरवाली ने जो सतगुरु महाराज जी के दर्शन किए, कितने ना कि धर्मी हो कि ना कि जो दर्शन किए, मैं बेनती करा मातावां भैणों के चरणों में, मातावां भैणों याद रखियो जो गुरु नानक देव जी महाराज जी ने सब तो पहला पछाणिया सी बेबे नानकी, वह भी स्त्री सी। अज मीर दे घरवाली गुरु महाराज जी ने पहचान लवेगी, तो मीर ने पहचानिया नहीं, सतगुरु महाराज जी ने इसे करके कहा सी सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे राजान, किसे धर्म ने औरत नूं इन्ना वड्डा दर्जा नहीं जे दित्ता। मेरी गल ध्यान नाल सुनो, यहूदियों नूं देख लियो वह कहिंदे सी औरत कागज़ दी पुतली है, आ मुसलमान धर्म नूं देख लो, मुसलमान धर्म दे विच काजी कच्छ दे विच जुत्ती लै के ते मक्के दे विच हज कर सकदा है, औरत मक्के दे विच जाके नमाज़ नहीं जे पढ़ सकदी। हिंदू धर्म साढ़े समाज के हिंदू पुराने पूछ रहे उन्होंने पाँदी, हिंदू धर्म के तीन प्रकार के जनेऊ होंगे जे, चार भागे का चार सूत का जनेऊ ब्राह्मण पहनता, तीन सूत का खत्री, दो सूत का दो धागे का जो जनेऊ है वह वैश्य है, जे आप कह रहे जे अपने करार लोग ने पालिया लोग ने यह पाया करते हैं। शूद्र जिहड़ा जनेऊ नहीं पा सकता, इसी देश की प्राइम मिनिस्टर बन सकती है, इंदिरा गांधी बनी सी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री बन सकती है देश की, लेकिन इसी हिंदू मत के जनेऊ नहीं जे पा सकती। वह कहते हैं जनेऊ पा के इसी अपवित्र होगी तो जनेऊ भी अपवित्र हो जाए। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी ने जिते खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य चौड़ना को समझा, उसे याद रखो माताओ भैनों तुहानू भी यह नहीं गल कभी कही नहीं भी प्राप्तता का अधिकार खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य वाला ना, सतगुरु महाराज ने प्राप्तता का अधिकार दिता भी सिख पंथ जाओ कि हरिमंदर साहब के दर्शन कर, जिनी सेवा मर्द करते हैं उन्नी बराबर स्त्रियां भी करते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी को पहचान लिया जी घरवाले ने, मीर की घरवाली ने, वो अपने घरवाले को कहने लगी भी होवे ना होवे इस नौजवान के मैनू अल्लाह के दर्शन करने, अल्लाह के दर्शन। वह अपने अपने घरवाले को कहने लगे मेरे सिर दिया साइया इंज ना कर, जे इनू तू लै ही आया ना अपने घर के औलाद नहीं, मीर के घर औलाद नहीं सी, कह लगे अपने घर के औलाद नहीं जे इनू लैके आया, पहली तो गल ये जितों लैके आया इनू छड़िया, ये अल्लाह का रूप है इलाही रूहानी चेहरा ये दसदा है, जितों लैके आया छड़िया, जे छड़ना नहीं तो पता नहीं किन्नियां को मावां दियां किन्नियां को भैणां दी तैनू हा लगी है, अपने घर के बच्चा नहीं इस नौजवान अपना बच्चा ही बना के पाल लिया।
सतनाम पहचान दी पई है। यह जरा सी मीर इन्हें नहीं एक भी सुनी। अगला दिन हो अगला दिन चढ़िया मीर धन गुरु नानक देव जी महाराज जी लैके रुहेल खंड की मंडी के चला गया। उसे थां थां के गुलाम एक उच्चे ठेरे उत्ते चढ़े हुए ने। एक उच्चा जहा टिप्पा मिट्टी का फन्या उसके उत्ते एक बांस कटिया होया जिदे नाल गुलामां नूं पिछे हथ करके बन्या जांदा है। पिछे हथ करके फिर उन्हां दी बक बक मीर आ के पठान आ के बोली लगाउंदे ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं मैं इस उच्चे थड़े दे उत्ते उस बांस दे नाल पिछे हथ करके बन दिता। और गुरु कह सिखा देख अज अपना जमीर वेचण वाले बड़े ने लेकिन अपने इस दुनिया नूं तारन खातर इस दुनिया की लोकाई की भलाई खातर अज धन गुरु नानक देव जी महाराज जी अपने आप नूं बेचणगे क्योंकि इन्हां नूं सिद्धे राह पाउणा है। गुरु महाराज जी इन्हां दी जड़ नूं फड़ना चाहुंदे ने। आ उच्चे खड़े दे उत्ते गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं पिछे हथ करके बन दिता गया है।
निचोड़ निकल जाएगा इतिहास का। गुरु के प्यारियो अमीर जिहड़ा सीगा ए चौधरी जिहड़ा सी सतगुरु महाराज जी नूं लैके अपने घर दे विच आ गया। ए अपने घर दे विच इस चौधरी ने सतगुरु महाराज जी नूं दो तरीके दे गुलाम ने रखे सी, एक खेतां दे विच काम करन वाले, एक अपनी जेल विच जिन्हां ने बगावत कीती उहनां नूं जेल दे विच ताड़ दित्ता। सतगुरु महाराज जी दा जदों चेहरा मोहरा देखिया सतगुरु महाराज जी कृपा कर समाप्ति का हुक्म हो चुका सी, लेकिन वीर जी कहते अपना प्रसंग जरा वो सिरे चढ़ा लो। गुरु महाराज जी कृपा कर जो संगत देवत्या दे वांग एदा बैठी हो फिर टाइम नहीं देखीदा, तो जे विचों चले गए तो मजा किरकिरा हो जाएगा, कोई सुनने वाले नूं सवाद नहीं। जे आप इतिहास का निचोड़ ही ना कढ़िया भी गुरु महाराज जी असल में गए ही कौन सके, कि महाराज जी ने किनू उतारिया। सतगुरु महाराज जी कृपा कर गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं मीर अपने घर दे विच लै गया। सतगुरु महाराज जी नूं जदों घर दे विच लग्या इहने सोचा भी इह जिहड़ा नूरानी मुखड़ा जदों तकिया ना सतगुरु महाराज जी दा, सोचण लगा भी इह खेतां दे विच काम करन वाला नौजवान नहीं, होवे ना होवे मैं इहनूं अपने नाल घर दे विच रखां, इह तों काम घर दे करावां। सतगुरु महाराज जी बैठे ने, एक दिन होया, दूजा दिन लंघिया, तीजा दिन जदों होया ना सतगुरु महाराज जी नूं इहने मीर ने आख्या, कहण लगा घर दे विच पाणी मुक्क गया, जा खूह तों बाहरों भर के जंगल दे विचों खूह ते खूह दे विचों पाणी भर के लैके आ। सतगुरु महाराज जी मुखार पेंदे विचों अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा की गुरबाणी का जाप करते पए ने। यह मीर ने जदों नीचे ला के तकिया इहदे मन दे अंदर थोड़ा जा ना हलचल जी होने लगी, भी सोचा भी ऐसा का नूरानी चेहरे वाला गुलाम मैं अज तक देखा नहीं, लेकिन क्योंकि जरा पाप से ना पाप और पुन के उत्ते भारी से। सतगुरु महाराज जी गुरबाणी के पिच फुरमान करते हैं भी धर्म के तीन पैर से एक धर्म का एक पैर से पाप के कलयुग के तीन पैर ने, इस करके पाप कलयुग के धर्म के उत्ते हावी होता है। सतगुरु महाराज जी फुरमान करते हैं अमीर जरा है मीर ना इन्हें सोचा जरूर, लेकिन मन में हलचल होगी, लेकिन पाप ने ढक लिया, पाप ने उन्हें दसन नहीं दिता,
अगे लैके आने वास्ते। याद रखना जो तिना लोगों का स्वामी हो परमात्मा आप नारायण का रूप हो ते याद रखो गुरु के प्यारे हो एक कौतक वर्तना जायज सी। जो सतगुरु महाराज जी गए थे गागर सिर तो एक गेट उची लोग आके मीर नू आखदे पए ने सतगुरु महाराज जी गए खूह ते कुदरत दी करोपी भी तिना लोगों का स्वामी धन गुरु नानक देव जी महाराज जी नू एक इंसान एक याद रखो जालम इंसान ए हुक्म लाउंदा ओ खूह पानी वाला सब गया। सतगुरु महाराज जी आए परमात्मा दे भाणे नू मानदे आके मीर नू मुस्करा के कहन लगे मीर जी खूह दे च पानी है नहीं। उधरों लोगों ने जो आके दसिया मीर ने नींद ला के जो परमात्मा के स्वरूप गुरु नानक देव जी महाराज वालों तकिया गुरु महाराज जी मुस्कुराते पे ने ते गुरु महाराज जी के चेहरे के विचों मीर नू अल्लाह के दर्शन होते पे ने। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु धन गुरु नानक तेरी कमाई बहुत वड्डी सतगुरु सच्चे पातशाह। मीर ने जो देखिया गुरु महाराज जी दे विचो अल्लाह दे दर्शन हुंदे ए चरणा ते टैप पिया कहन लगा अल्लाह दे वली पाक पीर पैगंबर तुसी कौन हो मैं तुहानू पछाणन दे विच गुस्ताखी कर बैठा। सतगुरु महाराज जी कहन लगे तेरे ना पछाणन दा कारण तेरे पाप ने पाप। कहन लगा सच्चे पातशाह भुल हो गई इन्हें भुला अनेक गलतियां बख्शाइया। सतगुरु महाराज जी कहिंदे ने गुरबाणी दे विच जैसे बालक पाए सुपाही लख अपराध कमावे कर उपदेश झिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे पिछले औगुण बख्श लए प्रभ आगे मार्ग पावे। सतगुरु महाराज जी कहन लगे मीर जी तेरे पिछले गुनाह ते बख्श लवांगे लेकिन अगे तेनू वादा करना पवेगा तू किसी मजलूम के उत्ते अत्याचार नहीं करेगा। इन्हें तौबा की जुल्मा तो मीर कहन लगा सच्चे पातशाह अगां तो की हुक्म है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे आ सारे गुलाम इन्हां नू आजाद कर दे। आजाद कर दिते गए जिहड़े जेलां दे विच बंद सी गुलाम आजाद कर दिते गए सिख भाई हरा। जदों गुरु महाराज जी नू मन चित हो के ध्याई ना बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास लेकिन खुदा मंजूर करता है जब अरदास दिल से होती है। मुश्किल तो यह है जे बड़ी मुश्किल से होती है। इन्हें जो ध्याया एक मन एक चित लेव गुरु महाराज जी दे नाल जोड़ के सतगुरु महाराज जी गए ए भाई हरा सत करतार धन गुरु नानक धन गुरु नानक करदा अखां बंद करके बैठा पिया जेल दे विच। सतगुरु महाराज जी ने मोढ़े तो फड़िया कहन लगे भाई हरा जी नेत्र खोलो। सतगुरु महाराज जी दे चरणा ते टैप पिया सच्चे पातशाह आ गए हो बड़ी देर कर दी। सच्चे पातशाह कहन लगे तुहाडा परमात्मा दा हुक्म ही हुण मिलदा सी तुहाडा उद्धार करन आए आ तुहानू इस जेल दे विचों रिहा करवाउण आए आ। सच्चे पातशाह इस दुनिया दी जेल दे विचों ते रिहा करा दूंगे एक वादा करूं मैं जेल दे विचों फेर जावांगा कि इस परलोक दी जेल दे विचों ही मैनूं रिहा करवा दो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। दो निर्णय कदे सतगुरु महाराज जी ने एक ते इस मीर नूं कि दसां मां दी किरत करके इस दुनिया दे उत्ते किसे नूं गुलाम बनाउंदा किसे नूं हक दे गुलामी प्रवान करनी भी ये जिहड़ी जायज नहीं है ते गुलाम बनाउणा भी जायज नहीं। दूजी गल है कि ये परमात्मा दी रज़ा दे विच रहिंदा होइआ जिहड़ा सच्चे मन तों गुरु महाराज जी नूं चेते करदा गुरु महाराज जी ओदे बंधन कट्टण वास्ते तैयार है। सतगुरु महाराज जी श्री सुखमनी साहिब जी दे अंदर लिखदे ने गुरु पंचम पातशाह सतगुर सिख के बंधन कट्टे बड़ा पढ़दे असीं सतगुर सिख के बंधन कट्टे गुरु कहिंदा मैं तेरे बंधन कट्टण वास्ते तैयार हां पर अगली शर्त ते देख गुर का सिख विकार ते हटे। अज असीं गुरु नानक देव जी महाराज जी दा प्रकाश पर्व मनाउण जा रहे हां असीं एक वादा करके जाइए सतगुरु महाराज जी दे नाल सच्चे पातशाह अज तो असीं सारे विकारां तों दूर हो के तेरे लड़ लगांगे ते अपने रहिंदी जिंदगी दे विच कदी भी असीं गलत काम नहीं करांगे ते तेरी गुरसिक्खी नूं अपनावांगे ते फिर सतगुरु महाराज जी साडे सारे बंधन जिदा भाई हरे दे कट्टे ने उदां ही कट देवेगा। सतगुरु महाराज जी दे पावन प्रकाश पुरब दीआं समुचियां संगतां नूं लख 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 वार वधाई होवे बहुत ही धन्नता दे योग हां समुचियां नगर निवासी संगतां दे। मैं बेनती करां
गुरुद्वारा साहब प्रबंधक कमेटी के मैंबर ने सैकटरी साहबान सरदार भुपेंद्र सिंह जी बाबा जी सरदार मंगल सिंह जी सरदार गुरदेव सिंह जी सबका सरपंच सरदार दरपाल सिंह जी प्रधान सरदार अवतार सिंह जी खजानची सरदार पुरशोत्तम सिंह ठेकेदार सरपंच ने जोड़े सरदार गुरदेव सिंह सैकटरी इन्हों का परिवार सरदार सतनाम सिंह सरदार अजय सिंह बच्चे ने अभिजोत सिंह जी भुलर के मनजोत सिंह जी भुलर स्पैशल इनाम इन्होंने वालों जथे वास्ते आया सरदार गुरदेव सिंह जी वालों स्पैशल इनाम जथे वास्ते आया है सरदार सतनाम सिंह जी कैनेडा वासी सरदार गुरदेव सिंह जी सैकटरी के पुत्र ने इन्हों वालों स्पैशल तौर पर जथे की सेवा दी गई है सरदार भुपेंद्र सिंह जी यूएसए सरदार संदेव सिंह जी यूएसए सनो सरदार निर्मल सिंह जी इन्हों वालों भी जथे की सेवा दी गई है लाइव की सेवा सुखदीप सिंह जी सोखा कैनेडा निवासी सरदार मनजोत सिंह जी कैनेडा निवासी सपुत्र सरदार बलवीर सिंह जी बाली सरदार फकीर सिंह जी सरदार गुरमेज सिंह जी सरदार निर्मल सिंह जी सरदार साधु सिंह जी समुचिया संतों वालों जथे का स्पैशल तौर पर मान सत्कार किया गया मिस्त्री सोमराज जी ते डॉक्टर बलकार सिंह जी इन्हों वालों भी बड़ा मान सत्कार आया समुचिया संतों वालों बड़ा ही प्यार सत्कार दिता गया कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाउ ना जाने मेरा मेरे सतगुरु महाराज जी कृपा कर सारिया संतों का धन्यवाद है नौजवान वीर ने इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद गुरु के पहलो देखो पंजाब की नौजवानी है मेरे वर्गे प्रचारक ने बड़ा भंडिया नौजवानों बड़ा पिछे जो बड़ा भंडिया भी नौजवानी नशा के गलतान हो गई जी नशे के इदा इन्हों नौजवानों ने जाके आज दिल्ली के बार्डर से दस दिता जो रात में अड़के पाए ना सरकार ने आ पहाड़ा चिटे पत्थर चक चक के पासे मारे इदा जिदा रूम के खंभे पासे मारी दे इन्होंने दस दिता भी नौजवानी पंजाब की अजे भी क्रांतिकारी है मैं बेनती करा गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करते हैं गुरसिखी जीवन आने वाला समा सुभागा आपसी प्यार इतपाक कमाइयों बरतकों चढ़दिया कलों अरदासा बेनतियां इन्हों नौजवानों के लिए करते हैं मैं खास तौर पर धन्यवाद करा मेरिया मातावान भैनों का बड़े प्यार सत्कार के ढंग के बैठ के आपने श्रवण किया इंज नहीं लगन दिता भी नगर कीर्तन के नहीं तो असं मालवे वाल जाइए ना नगर कीर्तन ट्राली से खड़ा के कहे सतपाल सिंह ताज 15 मिनट लाएंगे तो तुम चाह पानी छक लो तो मैं ट्रालियां सुना बहुत प्यार सत्कार एक दीवान वांग सजाया मैं बधाई देवगा समुची प्रबंधक कमेटी को इस प्रबंध वास्ते बहुत ही संतों वालों मान सत्कार आया है जी कोटान कोट धनवाद धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का पांच प्यारे साहबाना का ग्रंथी सिंह का बहुत बहुत सत्कार है जी धनवाद है जी जिन्ना हो सके सत्कार कराया करो ग्रंथी साहबाना का कितने फिर समा मिले ये भी विचार साझे करा भी ग्रंथी सिंह का सत्कार सम्मान क्यों जरूरी है अपने दुआबे तो बड़ा सत्कार करते हैं आ मालवे वाल या माझे वाल चल जाइए कुछ को पिछड़े हुए पिंड ने जो ग्रंथियों का सत्कार बहुत घट करते हैं मैं बेनती करा यह भी साझा आप कभी पावे जो कि सहमा सतगुरु महाराज ने बख्शिश की सरदार भुपेंद्र सिंह जी का स्पैशल तौर पर धन्यवाद है जिन्होंने हुक्म लगा के एक नहीं रोजाना फोन करते भी सतपाल सिंह जी टाइम न पहुंचो आप रब वर्ग संतों के दर्शन दिदारे करा के जोड़े झड़न का हुक्म लगाया सतगुरु महाराज जी कृपा कर दिहो सजन असीसणिया जो हो वह सब समय एक बार गज वज के फते बुला देना पता लग जाए सेवादार वीर भी हम संत ने भजन कर लिया आत्मा की भुख मिटा ली हूँ शरीरिक भुख मिटाने वास्ते लंगर छकना इन्होंने सबसक्राइब करो MS Live TV चैनल नूं ते नवीं नवीं वीडियोज़ देखने लई बैल दे आइकन ते क्लिक करो।